तो देखिए इस वक्त पूरा देश श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। पीएम मोदी के आह्वान पर हर एक राम भक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किसी न किसी रूप में भाग ले रहा है। राजधानी भोपाल भी इससे छूता नहीं है। आइए मिलवाते हैं एक ऐसे ही राम भक्त से जो अपनी राम भक्ति की अलग गाथा लिख रही है। भले ही रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखी हो, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राम भक्त से मिला रहे हैं जिसने मिरर इमेज में रामचरित मानस को महज 3 साल में लिख दिया। उनकी लिखावट को सिर्फ शीशे में ही पढ़ा जा सकता है। इसको हम दूसरी भाषा में रिवर्स राइटिंग भी कह सकते हैं। भोपाल की कटारा हिल्स में रहने वाली ये राम भक्त 7 साल की उम्र से रामचरितमानस को मिरर राइटिंग में लिख रही हैं। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि राम भक्त कनिष्का कैसे मिरर राइटिंग करती हैं। शब्दों की कारीगरी करने वाली कनिष्का का कहना है कि उन्हें ये हुनर ईश्वर से मिला है। वह श्री राम और हनुमान भगवान की परम भक्त हैं। कनिष्का का कहना है कि जिस रामचरितमानस को उन्होंने रिवर्स में लिखा है उसको अलग से पहचान मिले और वो अयोध्या के राम मंदिर के पास किसी म्यूजियम में रखा जाए। इससे कई लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी यही अपील की है। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले पूरा देश राममय हो चुका है। हमारे साथ भोपाल में एक ऐसी युवती मौजूद है जिन्होंने रामचरित मानस को रिवर्स में लिख दिया है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कनिष्का सिंह है और मैं भोपाल में रहने वाली हूँ। जो श्री रामचरित मानस है तुलसीदास जी ने लिखी थी उसको मैंने मिरर इमेज में लिखा है, मतलब कि ये उल्टे अक्षरों में लिखी गई है। जैसे आप मिरर में देखते हैं कोई चीज़ तो वो हमें उल्टी दिखती है, तो जो मिरर वाली इमेज है वो मैंने लिखी है। आप इसको मिरर में देख के एकदम सीधा पढ़ सकते हैं। आपने इसको कहीं से रिहर्सल किया है या पहले से ही लिख रही हैं, कोशिश की कि गॉड गिफ्टेड? नहीं, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। जब मैं 7 ईयर्स की थी तब से मैं लिख रही हूँ, उल्टा हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेती हूँ। पर मुझे, क्योंकि मैं राम जी के चरित्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और हनुमान जी की भक्त भी हूँ, और मुझे हनुमान जी ने ही ये प्रेरणा दी कि मुझे रामचरित मानस को लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरी कला को साकार बनाने के लिए इससे अच्छा ग्रंथ और कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा, आप ये कब से लिख रही हैं, कब ये प्लानिंग आई, कितने सालों में आपने रामचरित मानस को पूरा लिखने में आप कम्प्लीट समय लगा? मुझे रामचरित मानस लिखने में 3 साल लगे, क्योंकि इस बीच में मैं स्कूल में थी उस टाइम पर, और मैं अपनी 10th 12th कर रही थी, बहुत सारी पढ़ाई का और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो ऑन एंड ऑफ करके मैंने 3 साल में रामायण पूरी करी, और जब मैं 18 साल की थी तब मैंने ये पूरी तरह से कंप्लीट कर ली। अच्छा, आप कह रही है गॉड गिफ्टेड था, इस बीच कभी कोई समस्या नहीं आया? आपका बोर्ड एग्जाम भी था, फिर इसको रुक रुक के लिखा या डायरेक्ट लिखती गई? जी, यही बात है कि क्योंकि गॉड गिफ्टेड है और ये एक्चुअल में इंस्पायर्ड है, उन्हीं की मदद से मैं ये पूरा लिख पाई हूँ। क्योंकि 3 साल में एक ही चीज़ के पीछे लगे रहना बहुत मुश्किल होता है, वो भी जिसका आपको पता नहीं हो कि इसका क्या होगा आगे जाकर। क्योंकि मैंने इसको कुछ भी नहीं सोचकर लिखा, बस मुझे मन किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको लिखा। रुकावटें आई, पर वो रुकावटें नहीं, वो शायद ऐसी परीक्षा थी जो कि भगवान चाहते थे कि मैं दूँ, और मैंने इसको कम्प्लीट किया, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। कभी कोशिश नहीं की जब आपने लिखा तो एक मन में जो खुशी होती है, आपको चाहते हैं कि ये बड़े स्तर पर देखा जाए, तो कभी आपने कोशिश नहीं की कि ये चाहे आप मुख्यमंत्री के पास जाएं, प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे, तो कभी कोशिश नहीं की? जी, करी थी एक्चुअली। ये जब लिखा गया था तब 2009 का टाइम था, उस टाइम पर हमने ये काफी सारे न्यूज चैनल्स पे आया भी था, पर उस टाइम पर हाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंच पाई,
और अभी मैं बिल्कुल चाहूंगी कि ये चीज एटलीस्ट ये प्रतिभा के बारे में लोगों को पता चले, ये मेन बात है। अच्छा, अब आप क्या लिख के दिखा देंगे कि किस तरीके से आप लिखती हैं और कैसे सब कुछ होता है? आप बोलते भी रहिए और लिख के दिखा दीजिए थोड़ा सा, क्या लिख रही हैं ये बोल दीजिए। जी, मैं श्री रामचरित मानस ही लिखती हूँ। देखिए आपकी किस तरीके से यहाँ पर लिख भी रही हैं और दिखा भी रही हैं कि इनको ये जो है गॉड गिफ्टेड मिला हुआ था, तो यहाँ पे ये लिख के दिखाएंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से। देखिए रिवर्स में लिखती है और जो कि मिरर में, जो कि कांच में पूरे का पूरा सीधा दिखाई देता, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात है और भगवान की देन है इनका साफ तौर पर कहना। और ये चाहती भी है कि जो है ये बात जो है ऊपर लेबर तक जाए और सभी को पता चले कि उनको ये गॉड गिफ्ट मिला, उनके अंदर ये टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। आप देखिएगा, आप इसको मिरर में देखिए कि आपको ये बुरी तरीके से सीधा दिखाई दे रहा है। तो इनको टाइम लगा, 3 साल का वक्त लगा, 7 साल की उम्र से ये लिखती हुई आई है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है और दिखाता भी है कि इनके मन में जो है राम के प्रति जो है प्यार है, भगवान के प्रति प्यार है। और खुद बता रही है कि मैं हनुमान जी की भक्त हूं, तो कहीं ना कहीं जो है अपने आप में बड़ी बात है। मैं इनसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लिख लेती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए दोनों भाषाओं में ये लिख लेती है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। क्या ये आप किसी से इंस्पायर हुई या किसी ने आइडिया दिया आपको इस बारे में? जी, मुझे आइडिया तो मेरे जो नाना जी थे उन्होंने मुझे बोला था कि आपको अगर ऐसा लिखना है आपको, तो श्री राम जी से अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है। और इसका मुझे, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड ही है, तो मैं इंस्पायर्ड तो ये बोलूँगी कि मैं भगवान से ही हुई हूँ। उन्होंने मुझे दिया, एक दिन मुझे अचानक से ऐसा लगा कि उल्टा अलग से क्यों दिखता है, सीधा अलग से क्यों दिखता है। जब हम एम्बुलेंस शब्द देखते हैं, आपने देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है और वो कांच में ही सीधा दिखता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने ट्राई किया और मुझसे बन गया। मैंने कभी इसको अलग से प्रैक्टिस नहीं की लिखने की, बस मैं लिखती गई और होता गया। अच्छा, आप ऐसा मन में ख्याल है कि 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, तो उसमें इसका अगर एक नज़ारा देखने को मिले तो मन में कैसी खुशी होगी? बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी होगी। ये तो देखिए श्री राम जी की मर्जी है अगर ऐसा कुछ होता है तो। मैं, लेकिन जो भी है इससे रिलेटेड, मैं ये सिर्फ श्री हनुमान जी और राम जी को ही समर्पित करती हूँ। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इससे रिलेटेड कोई चीज वहां देखने को मिलती है तो, और ये मैं उनका आशीर्वाद समझूंगी खुद के ऊपर। आप देखिए, आपने कहा कि पहले भी उनका आशीर्वाद रहा, शायद यही वजह है कि गॉड गिफ्टेड और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले भी मीडिया आपको कवरेज करने आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जोड़ती है? हाँ बिल्कुल जोड़ती हूँ। देखिए राम जी की चीजें, ये जो है एक लहर की तरह आप इसको देख सकते हैं, जो चीजें एक एक्चुअली इंग्लिश में कोट है, यू कैन नॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। अगर कोई चीज को आना है तो आप उसको नहीं रोक सकते, कोई भी चीज उसको नहीं रोक सकती। अगर इस शक्ति को अब बाहर आना है उसको आप नहीं रोक सकते। और राम जी की शक्ति मेरे हिसाब से एक जागृति की शक्ति है, जो लोगों को जगाने के लिए आ रही है, लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, भारतीयों को खुद पर एक गर्व महसूस करवाने के लिए। क्योंकि जब से राम मंदिर की बात चली है, जब से भारतीय अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगे हैं, और उन भारतीयों में से मैं भी एक हूँ। आपको नहीं लगता कि अब बड़े स्तर पे आना चाहिए, कहीं बात पहुंचनी चाहिए, तो ये मार्केट में भी लॉन्च होनी चाहिए? आपने जो रामचरितमानस लिखी है, कहीं ना कहीं दिखना तो चाहिए। जी बिल्कुल, ये मेरा तो ऐसा मत है कि इसको अगर हो सके, अगर अयोध्या में ही इसको हम किसी म्यूजियम में रखवा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे घर के अंदर रहकर इसको वैसा मतलब जस्टिफिकेशन मिलेगा। अगर इसे हम किसी म्यूजियम में अयोध्या में रखवा सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, आप बता रही, आपने बहुत छोटे से उम्र में किया और अभी भी आपकी उम्र छोटी है, तो आपने जो उम्र के युवा हैं उनको भी कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आप भी कुछ अलग करिए? जी देखिए, कला तो हम सब में होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज का जो युग है 21st सेंचुरी, इसमें जो लोगों का जन्म हुआ है, जो लोग इस सेंचुरी के हैं, उनके पास ये बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया की। और इसके अलावा उनके पास सबसे बड़ी पावर है कि वो अपनी कला से किस तरह तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले लोगों तक पहुंचने के इतने आसान साधन नहीं होते थे। तो जो भी आपकी कला है, आपको बस अगर किसी तरीके से उसको कन्वर्ट करना आता है, लोगों तक पहुंचाना आता है, तो मेरा ये मानना है कि एक तो सबसे बड़ी ये आज की शक्ति है और लोगों को ये करना चाहिए। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया तो हमसे बातचीत करने के लिए। इन्होंने 7 साल की उम्र में जो है रामचरितमानस लिखना स्टार्ट किया था, कड़ी मेहनत की है और चाहती हैं कि जो इनके अंदर की प्रतिभा है वो राम मंदिर का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर जो भव्य बनने जा रहा है वहां पर जो कोई म्यूजियम बने तो इनका जो रिवर्स में रामचरितमानस लिखती है ये वहां पे रखा जाए। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना अनादि टीवी भोपाल। जगमग हुई अयोध्या नगरी मन मंदिर।